अपने सपनों को सफल बनाने के लिए, अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अपने सपनों को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। वर्ल्ड क्रिकेट टीम दिन रात मेहनत किया टेस्ट में वर्ल्ड कप का फाइनल में प्रवेश करने के लिए। पहले टेस्ट मैच चेन्नई में हारने के बाद लगातार दो टेस्ट मैच में जीतने के बाद मोतेरा में जो चौथे टेस्ट मैच खेला जाएगा, यहाँ पे श्रृंखला में 3-1 पे जीत दर्ज करने के लिए ना केवल पूरी तरीके से प्रैक्टिस शुरू कर दिया है, साथ में अपने प्लेइंग 11 में कुछ बड़े बदलाव लेके आ रहा है। आइए दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको खुलासा करने वाला हूँ, तीन बड़े बदलाव के साथ उतरेगा चौथे और अंतिम टेस्ट मैच जीतने के लिए भारतीय टीम। ओपनर में आपको बदलाव देखने की ज़रूरत है। यहाँ पे दोस्तों रोहित शर्मा पूरी तरीके से सेट है, अच्छे फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, तो शर्मा जी को खेलेंगे। दोस्तों यहाँ पे शुभमन गिल के जगह पे केएल राहुल को मौका मिलने का 95% चांस है। मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन में भी आपको बदलाव देखने को मिलेगा, जहाँ पे दोस्त चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली दोनों सेट है, अच्छे फॉर्म में है, खेलेंगे ही खेलेंगे। यहाँ पे दोस्तों अजिंक्य रहाणे जी के बारे में दिग्गज ने अलग अलग राय दे रहा है। कई दिग्गज को कहना है अजिंक्य रहाणे को अभी भी मौका देना चाहिए, तो कई दिग्गज को कहना है अजिंक्य रहाणे की जगह पे दूसरा खिलाड़ी को मौका देनी चाहिए। अगर आप भी चाहते हैं अजिंक्य रहाणे जी खेले तो कमेंट करके ज़रूर बताइए, नहीं तो रहाणे की जगह पे कौन सी क्रिकेटर को मौका देना चाहिए ज़रूर आप कमेंट में बताइएगा। दोस्तों मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे भारतीय क्रिकेट टीम ज़्यादा बॉलर को नहीं खिलाएगा, क्योंकि ये जो पिच है ये तो स्पिन पिच है, तो दोस्तों यहाँ पे स्पिनर ज़्यादा खिलाएगा और साथ में फास्ट बॉलर को कम देखने को मिलेगा, तो यहाँ पे ऑलराउंडर ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। ऑलराउंडर में अगर यहाँ पे बात किया जाए तो सबसे पहले नाम आ रहा है हार्दिक पांड्या। फिलहाल दोस्तों हार्दिक पांड्या जी ज़्यादा बैटिंग में ध्यान दे रहा है, तो दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या जी का ये अंतिम टेस्ट मैच में खेलना लगभग पक्का है। किसके जगह पे? वाशिंगटन सुंदर के जगह पे हार्दिक पांड्या को मौका मिलेगा। फिर दोस्तों बाकी जो दो ऑलराउंडर्स यहाँ पे रवि अश्विन और साथ में अक्षर पटेल, लाजवाब फॉर्म दिखाया है और पिछले मैच में नामुमकिन चीज़ मुमकिन करके दिखाया है, तो ज़रूर यहाँ पे ये दोनों खेलने वाले हैं। यहाँ पे दोस्तों और एक स्पिनर खेल सकता है, जहाँ पे दोस्तों जसप्रीत बुमराह को रेस्ट मिल सकते हैं और उनके जगह पे कुलदीप यादव को मौका मिलेगा। फिर दोस्तों एक लौता फास्ट बॉलर मुझे लगता है यहाँ पे खेलने वाले हैं, जहाँ पे नाम आ रहा है ईशांत शर्मा। कुछ इस प्रकार है वैदिक टीम का प्लेइंग 11, मैं आपको एक बार फिर शेयर कर दूँ। रोहित शर्मा के साथ खेल राहुल ओपन, मिडिल ऑर्डर का बैट्समैन में यहाँ पे चेतेश्वर पुजारा, अजिंक्य रहाणे, विराट कोहली, विकेट कीपर ऋषभ पंत, साथ में दोस्तों यहाँ पे हार्दिक पांड्या को मौका दिया जा रहा है। तो दोस्तों बॉलिंग में ज़्यादातर स्पिन बॉलर्स कुलदीप यादव, अक्षर पटेल, रवि अश्विन के साथ एक लौता फर्स्ट बॉलर यहाँ पे ईशांत शर्मा। इस टीम के बारे में अपना राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।